हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर को हम अपनी डेली लाइफ में क्या कहीं यूज करते हैं और करते हैं तो फिर कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। याद रखना, सबसे पहले केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ओके। उसके बाद में ही आप यूजेस को पढ़िएगा। सबसे पहला यूज है, कॉनकेव मिरर इज यूज एज शेविंग मिरर, ओके। कि कॉनकेव मिरर को हम किस तरह से यूज करते हैं, शेविंग मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। अब आप कहोगे सर, शेविंग मिरर में हम कॉनकेव मिरर को क्यों यूज करते हैं? एक बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था कि व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो आप लोग याद करो, देखो शेविंग करते टाइम हमारा जो मेन पर्पस होता है, बॉयज को पता होगा, शायद गर्ल्स को नहीं पता होगा, कि हम अपने फेस की इमेज देखें, ठीक है। और इमेज हमको छोटी देखनी होती है या बड़ी देखनी होती है, तो ऑब्वियसली हमको शेविंग करनी है तो इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, जिससे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तो हम आसानी से शेव कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बड़ी बनती है। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, देन यू कैन आंसर दैट बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। दो बातें बतानी है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, एक तो सीधी इमेज बनाता है। अब आप सोचो, ऐसा तो नहीं ना कि भाई आप सोचो कि सर कॉनकेव मिरर तो उल्टी इमेज भी बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा मेन फोकस ये नहीं होता है कि हम उल्टी इमेज बनाएं। आप सोचो कि उल्टी इमेज बनी हो तो क्या हम शेविंग अच्छे से कर पाएंगे? हमको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ क्या करना है। तो इमेज अगर आपको कॉनकेव मिरर को यूज करना है शेविंग मिरर के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना कि कौन सी पोजीशन आप लोगों को यूज करनी चाहिए जिससे हम कॉनकेव मिरर को यूज कर सकें शेविंग मिरर में। कभी एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि एट विच पोजिशन इफ वी आर वॉन्ट टू यूज कॉनकेव मिरर एज अ शेविंग मिरर, देन वॉट शुड बी द पोजिशन ऑफ आवर फेस। हमारे फेस की पोजिशन क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर पोजिशन ऑफ आवर फेस शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। हमें अपने फेस को कहाँ रखना चाहिए? पोल, मिरर का जो पोल होगा, जो पोल है और जो फोकस है उसके बीच में रखना चाहिए, तभी इमेज बड़ी बनेगी और सीधी भी बनेगी। बाकी सारे केसेस में तो इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। तो अगर आप फोकस पे रखोगे या फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखोगे, इन्फिनाइट पे तो आप लेके जा नहीं सकते हो, तो उन सारे केसेस में इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो वो हमारा दिक्कत करेगा, इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम मिरर को कॉनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज कर रहे हैं तो पोजिशन ऑफ आवर फेस शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस। ये बात एग्जाम में पूछी गई है कि शेविंग मिरर को यूज करते टाइम कॉनकेव मिरर में वॉट शुड बी द पोजिशन ऑफ आवर फेस, ओके। तो आप बताइएगा बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, दूसरा यूजेज है कि कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर को हम एज अ डेंटिस्ट मिरर भी यूज करते हैं। अब आप सोचोगे सर डेंटिस्ट के पास में मिरर, तो देखिए हमने आप लोगों के लिए डायग्राम भी लेके आए हैं। डेंटिस्ट के पास एक मिरर होता है चम्मच जैसा। अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हो, अपने दांतों में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आपने देखा भी होगा डेंटिस्ट छोटे से मिरर से देखता है। अब आप फिर से सोचो कि सर डेंटिस्ट मिरर हमने यूज कर लिया, ठीक है, क्या पर्पस है डेंटिस्ट मिरर को यूज करने का? हमें इमेज बड़ी देखनी है। कैसी देखनी है? बड़ी देखनी है और सीधी देखनी है। तो फिर से वही बात है कि व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ आवर टीथ वाइल वी आर सीइंग द पोजिशन द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द कॉनकेव मिरर। हमारी जो टीथ है उसकी पोजिशन क्या होनी चाहिए? तो फिर से बात यही है कि टीथ को अगर हमें देखना है तो इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन होनी चाहिए वो पोल और फोकस के बीच में ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर ऐसा? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी एंड मैग्नीफाइड बनेगी, सीधी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी। बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनती है तो फिर हम अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपके सामने उल्टी इमेज होगी और सीधी इमेज होगी तो कौन सी ज्यादा अनस्टेबल है?
तो डेफिनेटली अगर इमेज सीधी है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इमेज उल्टी है तो इतना आसानी से समझने में हमें दिक्कत होगी। तो ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर को एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, पोजीशन हमारे फेस की कहाँ होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। कॉनकेव मिरर को हम एज अ डेंटिस्ट मिरर भी यूज करते हैं और हमारे टीथ की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। थर्ड केस है, थर्ड यूज है एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। कॉनकेव मिरर को हम टॉर्च में रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज करते हैं। देखो टॉर्च क्या होती है, जैसे ये हमने टॉर्च बना दी आप लोगों के लिए, वैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पर सेल वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पर बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ पर चलो हमने बल्ब लगा दिया, अब ये बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो ये मिरर को हिट करेगी और मिरर को हिट करने के बाद में पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइट दूर तक जा सकती है। ओके, तो कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। एक और यूज होता है जो आपने डिश टीवी वगैरह देखे होंगे, उनके जो एंटीनाज होते हैं वो भी किस तरह से होते हैं, वो भी कॉनकेव शेप में ही बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं बोला हूँ कि कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर मेकिंग दिस एंटीना, कॉनकेव शेप इज यूज इन मिरर एंटीना। ओके, अब आप सोचो मिरर एंटीना के बारे में बात करें, भाई एंटीना पर क्या होता है, एंटीना का काम क्या है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं सर, स्पेस में जो सैटेलाइट है वहां से आ रहे हैं सिग्नल, वो तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई ना, इनफाइनाइट हो गई। यहाँ पर एक आपने देखा होगा एक डिब्बी थी लगी होती है, ठीक है, इस तरह से एक डिब्बी थी लगी होती है, तो क्या आप बता सकते हो कि इस डिब्बी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस डिब्बी की पोजीशन क्या होना चाहिए? नहीं बता सकते, तो हम बताते हैं। ये डिब्बी जो लगती है वो हमेशा फोकस पर लगती है, ध्यान रखना इस बात को, छोटी से छोटी बात एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो डिब्बी की पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, फोकस पर होती है। क्यों होती है सर फोकस पर, क्योंकि जो इन्फाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। आप जानते हो इन्फाइनाइट से सिग्नल आ रहे हैं तो सारे के सारे सिग्नल कहाँ होंगे, इस रिसेप्टर में रिसीव हो जाएंगे और आसानी से आप लोगों को डिश देखने को मिलेगी। तो ये तीन चार केसेस आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहला केस कॉनकेव मिरर यूज एज अ शेविंग मिरर, पोजीशन ध्यान रखें हमारे फेस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर यूज एज अ डेंटिस्ट मिरर, हमारे टीथ की पोजीशन फिर से वही पहले वाले केस में होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड कॉनकेव मिरर यूज कॉनकेव शेप इज यूज इन डिश टीवी एंटीनाज, और जो रिसेप्टर है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, एट फोकस होनी चाहिए।